पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, लेजिस्लेशन ऑर्गन है हमारे यूनियन का, ठीक है, पार्ट फिफ्थ में आता है ये भी, जिसके अंदर तीन हमारे भाग आते हैं पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, और सोवरेनिटी लिमिटेड है इसमें ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इन चार चीज़ों के कारण जो पार्लियामेंट की जो सोवरेनिटी है वो लिमिटेड है। ये भी चीज़ें हमें याद रखनी है। पार्लियामेंट का जो सिस्टम है अडॉप्ट करा गया था कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है, और जो पहले जो बिल्डिंग थी इनॉग्रेट करा था लॉर्ड इरविन ने, जो कि अडॉप्ट करा गया था 64 योगिनी मंदिर से, ये सब चीज़ें हैं, सर्कुलर था, अभी ट्रायंगल है, ठीक है, राज्यसभा रेड होता है, ग्रीन सभा, लोकसभा ग्रीन होता है, जो पब्लिक प्रोस्पेक्टिव को दिखाता है, राज्यसभा रॉयल्टी को दिखाता है, ठीक है। आर्टिकल 79 हमारा बताता है कि हमारे तीन ऑर्गन्स हमारे प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये हमारे वो बताते हैं आर्टिकल 79। है ही नहीं हमारे में, पार्लियामेंट नहीं है, बस उसको एक ही साथ करा दिया। चलो तुम करो, ठीक है। तो पहले राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलो, परमानेंट हाउस बोलो या अपर हाउस बोलो, सारी कहानी एक ही। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, इसलिए कभी डिजॉल्व नहीं हो सकता, ये बात हमें याद रखनी है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होता है, लेकिन प्रेजेंट में 245 है, ठीक है, 250 या 252? 252 का तो सिस्टम, 252 तो होता ही ना अभी, वो तो आप 552 वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, 250 मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन 245 है, जिसमें 245 से भी कैसे ये वेरिफिकेशन है कि 233 जो लोग हैं उसमें 233 में भी 225 फ्रॉम स्टेट्स चुने जाते हैं, और 5 जो है अनअलॉटेड बंदे होते हैं, और 8 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो 3 यूटीज से आते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी से, और 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, जो कि साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस से अडॉप्ट करते हैं। देखना कौन है? जनरल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक, करो फिर। ठीक है, राज्यसभा की हमने बात कर ली, अब राज्यसभा के टर्म्स की बात करते हैं। टर्म ऑफ राज्यसभा परमानेंट होता है नेचर वाइज, आर्टिकल 83 क्लॉज 1 में गिवन है हमारा, ठीक है, थर्ड शेड्यूल में भी दिया गया है, ठीक है, और जो ओथ होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफाइन इन RPA 1951 में भी डिफाइन है, अदर क्वालिफिकेशन जितनी भी पार्लियामेंट की वो RPA 1951 में भी डिफाइन है। इलेक्शन ऑफ मेंबर जो होता है, नेचर ऑफ इलेक्शन होता है, इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब कि 6 साल का पूरा टर्म होता है इनका, ठीक है। RPA 1951 में भी कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे इलेक्टर फॉर कॉन्स्टिट्यूंसी एनीवेयर इन इंडिया, कोई भी इलेक्टर होगा 1951 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, RPA रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 में गिवन है कि कोई भी बंदा जो है वो कि एनीवेयर इन इंडिया किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ सकता है MP के लिए। लेकिन 2003 ने सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया, कंडीशन दे गया राज्यसभा के लिए उसी राज्य का होना जरूरी है। अच्छा, ठीक है, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन की बात करता है राज्यसभा की, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 30 साल इससे अबव, मस्ट नॉट मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लिया अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। 89 प्रेसाइडिंग ऑफिसर, इनके राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा में से किसी एक को चुना जाता है, ठीक है, और फीमेल डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नजमा हेपतुल्ला और प्रतिभा सिंह पाटिल रह चुकी है, ठीक है। मीरा कुमार भी तो रही है, मैंने 2 लिखे हैं, डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन बता रहे हो? अच्छा, ठीक है, और पार्लियामेंट ने इनैक्ट करा डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, ठीक है, पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन एक्ट जो है, कमीशन जो है एक्ट, वो इनैक्ट करा कितने बार, एक बार 52 में, 62 में, 72 में, 2002 में, 4 बार इनैक्ट हो चुका है डिलिमिटेशन एक्ट, अभी भी शायद बात चल रही है। क्या है डिलिमिटेशन एक्ट? जो पार्लियामेंट की जो टोटल वो होती है ना,
वैल्यू ऑफ सीट्स उसको बढ़ाना एक कम करना डेली तो 26 में तो बढ़ेगा ही 26 में तो वही मैं बोल रहा हूँ अभी बात चल रही है 26 तक ही है ना 26 तक और ये कैसे अब ये जो चीजें हैं ये कैसे चुना जाता है तो इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं रीएडजस्टमेंट ऑफ आफ्टर ईच सेंसस हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होता है लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा विवाद उछल जाएगा मैं बता रहा हूँ ना अब नंबर ऑफ सीट्स अलोकेटेड टू स्टेट्स इन लोकसभा कैसा होता है ऑन द बेसिस अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो 1971 के बेसिस पे कर रहे हैं सेंसस 1971 के बेसिस पे कर रहे हैं जो कि फिक्स था 2000 तक लेकिन अब 2000 से बढ़ के 2026 तक हो गया है ठीक है 2000 तक हुआ था 42 CA 1976 में 2000 तक बढ़ाया गया था 42वें संशोधन के थ्रू लेकिन 84th संशोधन 2001 के थ्रू 2026 में कर दिया गया ठीक है 2001 में ही इसे कर दिया गया जब इसकी सरकार थी बीजेपी ठीक है अब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन क्या क्या सीन है ये ऑन द बेसिस ऑफ 2001 में सेंसस हुआ था डिलिमिटेशन वाला ठीक है तो उसके बेसिस पे हुआ जो कि 87 अमेंडमेंट 2003 को ये अमेंड करा गया था अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससी और एसटी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो पॉपुलेशन रेशियो पे इनका रिजर्वेशन होता है ठीक है ये जो लाया गया था ना ये सिर्फ 10 साल के लिए लाया गया था रिजर्वेशन जो है सिर्फ 10 साल के लिए लाया गया था मतलब कि सिर्फ 1960 तक लेकिन इसको हर साल हर 10 साल के लिए बढ़ाते गए और आज भी बढ़ता ही जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका जो हर 10 साल का है ये अभी भी बढ़ गया 2020 में बढ़ा था ये तो 2030 तक 25 जनवरी 2030 तक इसे एक्सटेंड करा गया है 104वें अमेंडमेंट के थ्रू 2020 के अब 2030 तक इसे एक्सटेंड करा गया 2030 में देखते हैं कि रिजर्वेशन का क्या पोजीशन बढ़ाएगा हाँ तो बढ़ेगा ठीक है यही सारी कहानी थी राज्यसभा की लोकसभा ठीक है लोकसभा हाउस ऑफ पीपल बोल लो टेम्प्रेरी हाउस बोल लो लोअर हाउस बोल लो सारी बात एक ही है ठीक है 17वीं लोकसभा खत्म होने जा रही है ठीक है 1924 तक का काल रहा है उसका 18वीं लोकसभा होगा हाँ जो भी इलेक्शन होगा और अब ये भी बता दो इसमें कि लोकसभा हाउस जो न्यू पार्लियामेंट का उसमें सिंबल मोल क्या है हाँ अभी आऊँगा उस पर ठीक है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ 542 है 552 में से 550 रह गए क्योंकि दो जो है वो हट गए थे एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी वाले ठीक है 104 अमेंडमेंट के थ्रू हट गए थे लोग 2020 के 4 अमेंडमेंट के थ्रू हट गए थे और याद रखना 104 अमेंडमेंट वही है जिसमें डिलिमिटेशन वाला भी जो रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी है वो भी बढ़ा था 2030 तक वो 104वां अमेंडमेंट ही है तो दो याद रखना 104 से कि ऐसे रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी भी 104 अमेंडमेंट और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो हटाया गया था वो भी 104 अमेंडमेंट ठीक है अब 550 सीट्स में से 545 सीट्स पे प्रेजेंट स्ट्रेंथ है आज की और 545 का कैसे डिवीजन है कि 530 मेंबर जो होंगे वो 28 राज्यों से होंगे 20 मेंबर 8 यूनियन टेरिटरीज से होंगे ठीक है ये ऐसा है इसमें चेंजेस है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 84B क्लॉज बी क्वालिफिकेशन बताता है मस्ट बी सिटीजन ऑफ वंडर 25 साल या उससे ज़्यादा होने चाहिए कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए लोकसभा के जो एमपी होते हैं एमपी एमएलए जो भी बोल रहे टर्म्स ऑफ राज्य लोकसभा 5 साल का टर्म होता है फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग ठीक है ये डिसॉल्व हो सकता है बिफोर द टाइम ऑफ प्राइम बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम ठीक है टर्म 1 साल बढ़ भी सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ठीक है जो कि बड़ा भी था 5वीं लोकसभा जो थी 1971-77 वाली वो बड़ा भी था ठीक है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन जो भी होता है मेंबर्स का वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है नेचर ऑफ इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसका नाम है FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट ठीक है मतलब कि जो भी पंद्रह सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोट लेगा वो जीतेगा इलेक्ट्रोल कॉलेज में यूनिवर्सल UAF का इसमें रोल होता है यूनिवर्सल रेफरेंशियल मतलब हम लोग ठीक है नोट करने वाली चीज़ एक ये है कि 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 में जो एज का जो वोट था वो 21 साल से 18 साल करा था ठीक है अब आर्टिकल 93 अब आप सोचो कि ये सब जो बिल है कि क्यों कोई पार्टी वैसे तो पार्टी आपस में लड़ती रहती बिल को लेकर कि ये नहीं है ये बिल हमारे खिलाफ है हमारे खिलाफ लेकिन कुछ कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें पार्टी भी सपोर्ट करती उसमें से ये भी था 1988 वाला कोई पार्टी क्यों नहीं बोली कौन सा कि वोट का ये वोटिंग एज क्यों कम कर रहे हो 21 साल से 18 साल क्यों कर रहे हो क्योंकि फायदा उनका भी था फायदा सबका था ना सबका था इसलिए कोई नहीं बोलता है इसलिए अच्छा चुपचाप से मेजोरिटी पकड़ा देते हैं बिल पास करवा लेते हैं ठीक है अभी अभी वो भी चेंज हुआ था FRBM चुपचाप से दोनों ने चेंज करा बीजेपी और उसने ठीक है कोई चूचा भी नहीं करा
फिर अभी वो भी चेंज हुआ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला, ट्रांसपेरेंसी वाला, चुपचाप से दोनों ने, बीजेपी आई उसने रूल करा, इन्होंने भी मेजोरिटी दे दी, खत्म कर दी। कोई क्यों नहीं बोलता, नहीं बोलता क्योंकि पता है कि अगर वो खोलेंगे तो हम भी खोलेंगे, इसलिए। ठीक है, 93 प्रेसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, स्पीकर अभी ओम बिरला जी है और डिप्टी स्पीकर अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, बहुत दोनों मेंबर हमारे लोकसभा के होते हैं। प्रोटेम स्पीकर टेम्परेरी स्पीकर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो कि सीनियर मोस्ट एमपी बाय या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यहाँ से चुने जाते हैं। ठीक है, ये ओथ कंडक्ट करते हैं द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड हेल्प्स इन इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर। व्हेन न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड द ऑटोमेटिकली वेकेट द पोस्ट। ठीक है, अब पावर ऑफ लोकसभा क्या क्या है। स्पीकर डिसाइड करता है कि बिल जो है मनी बिल है या नहीं, आर्टिकल 10। स्पीकर कैन कास्ट डिसीजिव वोट इन केस ऑफ टाई, टाई होता है तो अपना एक वोट दे सकता है। ठीक है, और टेकन एंटी डिफेक्शन के केसेस में अपना डिसीजन ले सक दे सकता है वो। ठीक है, जो शेड्यूल 10 हमारा 52 CA 1986-85 दल बदल कानून है, उसमें स्पीकर का सबसे बड़ा रोल होता है, वो बोल सकता है कि हाँ भाई इसके ऊपर लगाना है नहीं लगाना है। ठीक है, हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट भी स्पीकर ही होता है। दोस मेंबर हु ब्रेक द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट अगर कोई भी अगर मेंबर ब्रेक करता है लोकसभा का, तो लोकसभा स्पीकर उसको पनिश कर सकता है, ये सब उसकी पावर्स है। आर्टिकल 100 है क्वारम ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि गण पूर्ति। ठीक है, क्वारम पूरा करना, इस पर कुछ याद मत रखो, सिंपल सी कहानी है, 1/10 बंदे प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब कि 55 बंदे। अच्छा, ठीक है, 55 बंदे, 545 बंदे होते हैं, उसका 1/10 कर लो, 54.5 आएगा, तो अप्रॉक्स 55 बंदे लेके चलते हैं, 55 बंदे होने चाहिए, बात करते हैं, इसमें कुछ कहानी नहीं है। राज्यसभा में ये 245 होते हैं, 24.5 उसका भी टेंशन कर लो, 25 बंदे उसमें भी होने चाहिए, इतने बंदे क्वारम पार्लियामेंट में, अगर सेशन बैठा है, पार्लियामेंट में मीटिंग बैठी है, तो इतने बंदे मिनिमम होने चाहिए, नहीं होंगे तो फिर मीटिंग स्पीकर पनिश कर देगा, नहीं पनिश कर देगा ना सर, जो नहीं बैठा उनको, हाँ जो नहीं बैठा उनको, अगर उनका टाइम, अगर उन्होंने रीजन दे दिया कि हाँ भाई मेरा ये रीजन था, मैं चक्कर में नहीं आ पाया, तो उसे एक माफ करा जाएगा। लेकिन इनका भी एक तरीका है कि अगर आपने बिल्कुल ही मीटिंग नहीं आए, 3 या 4 मीटिंग में नहीं आए, तीन मीटिंग है ना, तो 3 मीटिंग में अगर नहीं आए तो आपको हटा दिया जाएगा, चलो भाई घर बैठो। ठीक है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट BMW। ठीक है, बजट मानसून विंटर, सबसे बड़ा बजट सेशन होता है, जो कि जैन से मई में होता है, 4 महीने तक का होता है। ठीक है, मानसून सेशन जुलाई सितंबर 3 महीने, और डब्ल्यू से विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर। ठीक है, मैक्सिमम गैप होता है बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साल में 2 बार पार्लियामेंट बैठती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जून और अक्टूबर ऐसे महीने हैं जहाँ कोई भी पार्लियामेंट सेशन नहीं होता, जिसको हम रिसेशन कहते हैं, रिसेशन पीरियड। ठीक है, जून और अक्टूबर को हम लोग कहते हैं। अब टर्मिनेशन ऑफ सिटिंग्स को कैसे खत्म करा जाता है, उसके भी तरीके हैं। पहली बात, समनो प्रोगो हमारा जो भी प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है, इसमें टर्म्स है एडजॉइनमेंट सिनेडाई, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। एडजॉइनमेंट मतलब कि सिटिंग टर्मिनेट कर देना, कि आज की बैठक यहीं एडजॉइन कर दी गई है, एडजॉइन कर दी गई है आज की बैठक, अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, एडजॉइनमेंट सिनेडाई मतलब कि आज की बैठक एडजॉइनमेंट सिनेडाई कर दी मैंने, मतलब कि अनिश्चित काल के लिए, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं। हाँ, अनिश्चित काल। ठीक है, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं, बस खत्म कर दिए, अब जब भी होगा आपको वो व्हाट्सएप पे हम लोग मेल कर दें, मैसेज कर देंगे। ठीक है, प्रोरोगेशन मतलब सिटिंग के साथ सेशन भी खत्म, काम पूरा हो गया, क्या करना है, खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है, डिसोल्यूशन मतलब कि सरकार खत्म हो गई, सरकार खत्म हो, ठीक है, सरकार का टाइम खत्म हो गया, तो जो हमारे स्पीकर साहब है वो, सॉरी, राष्ट्रपति साहब है, वो डिसोल्यूट कर देंगे। ठीक है, और डिसोल्यूशन में 2 तरीके हो सकते हैं, एक ऑटोमेटिकली हो जाते हैं 5 साल के बाद, और एक प्रेसिडेंट कर देता है। ठीक है, आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर करना हमने ज्वाइंट सिटिंग, UFCLJ। ठीक है, जो हम फॉर्मूला याद रखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है, जब भी राज्यसभा और लोकसभा साथ में बैठती है टू डिस्कस अ बिल कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, और किन किन केसेस में
ज्वाइंट सेटिंग बैठी जाती है, किन केसेस, कंडीशंस क्या क्या है संविधान का? पहली बात तो इसको बोलते हैं डेडलॉक, डेडलॉक के केस में, पहले तो यही है डेडलॉक के केस में, डेडलॉक कैसे कोई कानून जब पास नहीं होता है किसी भी सदन, हाँ, तो डेडलॉक के कुछ केसेस है, जैसे पहला केसेस मान लो कि एक हाउस ने पास करा दूसरे हाउस ने रिजेक्ट करा, दूसरा केस है कि एक हाउस ने पास करा दूसरे हाउस ने अमेंडमेंट सजेस्ट कर दिया जो पहले हाउस ने मना कर दिया, बोला चलो चल तेरी सुनूंगा मैं, तीसरे हाउस ने पास करा और दूसरे हाउस ने 6 महीने से ज़्यादा तक पेंडिंग रख दिया। तो ये तीन केसेस जो डेडलॉक का कंडीशन बनाती है, इन तीन केसेस के कंडीशंस में जॉइंट सेटिंग लाया जाएगा, ठीक है। और जो और अभी तक सिर्फ तीन ही जॉइंट सेटिंग लाई गई है थ्रू सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का इसमें होता रोल, ठीक है। एक है डोरी प्रोबेशन बिल 1961, बैंकिंग सर्विस रिपीलिंग बिल 1978 और पोटा क्या है ये पोटा, ठीक है, पोटा जो कि कैंसिल कर दी गई 2004 में है, था क्या ये पोटा, ये था आपका प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका ऐसी कुछ था शायद, नहीं शायद ये नहीं था, वो टेररिज्म वाला था प्रिवेंशन करके कुछ था, हाँ प्रिवेंशन करके कुछ था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 ठीक है। तो ये सीन थे जॉइंट शूटिंग्स के, और भी चीज़ें बता देता हूँ जॉइंट शूटिंग के रिलेटेड कि लोकसभा है लोकसभा, अब ये भी जानो लैप्सिंग ऑफ बिल कब कब लैप्स हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि पेंडिंग है लोकसभा में, ठीक है, भले ही लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ हो, ठीक है, और पास हो गया राज्यसभा में, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये समझो कि अगर लोकसभा में पेंडिंग है, ठीक है, अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो राज्यसभा में तो जाएगा ही कहानी, बिल तो ऐसे ही लैप्स हो गया। दूसरा है कि पेंडिंग है राज्यसभा में, अगर लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा ने पेंडिंग कर दिया तो बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अगर पेंडिंग है राज्यसभा में, पेंडिंग है लोकसभा में हुआ, मतलब कि इंट्रो ही नहीं हुआ, अगर बिल का इंट्रो ही नहीं हुआ तब तो लैप्स हो ही नहीं सकता ना, बिल को चलना चाहिए ना पहले लैप्स होने के लिए, ठीक है। फिर ऐसे अब जॉइंट सेटिंग प्रेसिडेंट नोटिफाई कर दिया तो उसमें तो जॉइंट सेटिंग में तो यही है कि बिल पास ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर किसी में कर दिया तो जॉइंट सेटिंग पास ही होगा, क्योंकि हमने तो उसलिए करा ना क्योंकि बिल पास नहीं हो रहा था, दोनों में से कोई डिसीजन नहीं रहता, हमने तभी तो करा, ठीक है। अब एसेंट इन पेंडिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया, ऐसा हो नहीं सकता कि प्रेसिडेंट एसेंट ना दे, ठीक है। रिटर्न फॉर ओपेक, क्योंकि पहली बार जो हमारा जो जॉइंट सेटिंग भी है ना वो भी सब चीज़ों में नहीं होता है, ठीक है, मतलब सारे बिल्स में नहीं होता जॉइंट सेटिंग, ये भी हमें पता होना चाहिए। और लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है जिसको लास्ट सेशन, उसको लैमडक बोला जाता है, लैमडक लास्ट सेशन जो होता है, और 11 से 12 का जो टाइम होता है उसको प्रश्नकाल मतलब क्वेश्चनिंग आवर बोलते हैं, और एमपी इसमें नहीं, अभी मैं उसमें आऊंगा, ठीक है, अभी आऊंगा उसमें। और एक चीज़ और याद रखना, कोई भी नए अमेंडमेंट प्रपोज नहीं होंगे जॉइंट सेटिंग में, अच्छा जो जिस पर पेंडिंग चल रहा है वही होगा, ठीक है, कोई अगर हम नया अमेंडमेंट में जाते हैं वो नहीं होगा, और इसमें लोकसभा के ही रूल्स चलते हैं, ठीक है, राज्यसभा के नहीं चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है, तो तीन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ट अनस्टार्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, एक और होता है लेकिन वो इसी में काउंट हो जाता है, ठीक है। स्टार क्वेश्चन जिसपे स्टार होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ओरल आंसर देना होता है जिसमें, वो स्टार क्वेश्चन जिसमें कि एमपी रेज करता है क्वेश्चन किसी मिनिस्टर से और उसको आंसर देना होता है मिनिमम 10 डेज के टाइम पीरियड के अंदर अंदर, जिसके अंदर 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एमपी 2 क्वेश्चन मिनिस्टर से पूछ सकता है सप्लीमेंट्री में, बस दो ही,
मतलब कि जो पूछा है वो तो पूछ सकता है, उसके साथ दो और पूछ सकता है सप्लीमेंट्री। अच्छा, फिर आते हैं आंसर क्वेश्चन, उसमें रिटर्न आंसर चाहिए होता है, ठीक है, उसका भी पीरियड 10 दिन का होता है, इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, जो पूछा है उसी का आंसर 10 दिनों में मिल जाएगा मुझे। फिर होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चनिंग, मतलब ओरल आंसर ही होता है उसमें भी, और पब्लिक इम्पोर्टेंस में सवाल जो। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलो भैया, आना है ना, आ जाओ। अमन अमन आ रहे ना, अमन से पूछ, वो तो कह रहा था आ रहा हूँ। हाँ तो आएगा तो आ जाओ। यही मुठल हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी खत्म हो गया, कम से कम मिनिमम लेस देन 10 डेज का टाइम मिलता है टू गिव आंसर। लेमडेक ब्रिटिश टर्म है, ठीक है। एक होता है इसमें सेशन वाले को, सेशन खत्म होता है तो लेमडेक बोला जाता है, लास्ट सेशन जो होता है उसको लेमडेक बोला जाता है। जो स्पीकर ये बोलते हैं कि एडजॉर्नमेंट सीरियड है, जब स्पीकर अनाउंस कर दे तो लेमडेक का है। और जब मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा जो कि हु डिड नॉट गेट इलेक्टेड इन न्यू लोकसभा, मतलब कि कोई अगर नया कोई अगर बंदा है जो लोकसभा का पहले से इलेक्ट था और फिर दोबारा इलेक्शन हुआ उसमें इलेक्ट ही नहीं हो पाया बेचारा, तो वो भी लेम डक का कंडीशन है। अच्छा, ठीक है, जैसे राहुल गांधी। और जीरो आर होता है 12 से 1 के बीच, वो टाइमिंग पे आ रहा हूँ मैं भी, टाइमिंग पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब टाइमिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, टाइमिंग क्या क्या है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि 11 बजे शुरू होता है 6 बजे तक, ठीक है। 11 से 12 क्वेश्चन आर, 12 से 1 जीरो आर, 1 से 2 लंच आर, और 2 से 6 एजेंडा आर। 11 से 12 जो क्वेश्चन आर होता है उसी में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो MP क्वेश्चन पूछता है मिनिस्टर से तो उसमें पूछे जाते हैं, जिसका आंसर वो देता है 10 दिन के अंदर अंदर, ओरल आंसर देता है, लिखा हुआ नहीं देता कुछ भी। फिर आता है जीरो आर, जिसमें अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन रेज, जिसे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होते हैं वो रेज करे जाते हैं इसमें, ठीक है। और तो जीरो आर तो इसको तो पत्रकारों ने नाम दिया है ना, मतलब मीडिया वाले ना, तो इसी को नहीं, इसको हम इन पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर आता है लंच आर, 1 से 2 बैठ के बेचारे खाते हैं थक जाते हैं। तो फिर आता है एजेंडा आर, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है, जिसमें जो भी इंटरनल वर्क होता है पार्लियामेंट का वो सारा पूरा करा जाता है इसी में, ठीक है। ये टाइमिंग्स थी, अब हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमने क्वेश्चन आर पढ़ लिया, जीरो आर पढ़ लिया, अब मोशंस पढ़ लेते हैं। मोशंस क्या है कि मैटर को डिस्कस करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के एडमिट करने के बाद, मतलब कि किसी मैटर को डिस्कस करना है, ठीक है, और तो वो जो एडमिट करेगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। इसके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट, सब्सिडरी। सब्सटेंटिव मतलब सेल्फ कंटेन्ड, ठीक है, मतलब मान लो इम्पोर्टेंट मैटर, सिर्फ इम्पोर्टेंट मैटर्स पे मोशन होगा, ठीक है, जैसे कि इम्पीचमेंट हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सब के अगर कोई भी चीज़ हुई तो सेल्फ कंटेन और इम्पोर्टेंट मैटर्स है हमारे लिए, तो सब्सटेंसिव मोशन हो गया। सब्सटीट्यूट मोशन मतलब कि ओरिजिनल को रिप्लेस या सब्सटीट्यूट करा जा रहा है, ठीक है, मतलब कि अमेंडमेंट या अल्टरनेटिव देखा जा रहा है उसके लिए, तो वो सब्सटीट्यूट। सब्सिडी मतलब कि उसका कोई अपना कोई प्रिंसिपल ही है, कोई मीनिंग ही नहीं है, बस वो कैसे अपनी रेफर टू सम ओरिजिनल मोशन को करा जा रहा है। अब सब्सिडरी में भी अपने पार्ट होते हैं, जैसे एंसिलरी, सुपरसीडिंग, अमेंडमेंट, ये 3 चीज़ें होती है उसमें। एंसिलरी मतलब कि इन जनरल प्रिसाइडिंग ऑफ ओरिजिनल मोशन। सब्सिडिंग मतलब डिबेट के एक इश्यू को सुपरसीड करना, मतलब किसी एक इश्यू के ऊपर बढ़ के बोल देना। अमेंडमेंट का तो पता ही है, किसी भी मॉडिफाई कर देना, ठीक है। तो अब इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग क्लोजर मोशन कौन सा होता है, मतलब कि मैटर या डिबेट को कट शॉर्ट डिस्कस करने के लिए बोलते हैं क्लोजर मोशन। सिंपल यूजुअल क्लोजर बाय स्लो कंप, ये मेरे पास था, एक मिनट रुक जाओ। हाँ देखो, अब देखो क्लोजर मोशन, ठीक है, किसी भी मोशन के, कोई भी डिबेट आप कर रहे हो ना और पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है, उसको छोटा करने के लिए क्लोजर मोशन का यूज़ करा जाता है। अब क्लोजर मोशन के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, जैसे क्लोजर मोशन के अंदर पहला होता है सिंपल मोशन, सिंपल क्लोजर मोशन,
जिसमें क्या होता है कि जो सिंपल होता है एज यूजुअल, जो डिबेट चल रही है उसे छोटा कर दो सिंपल ही। फिर आता है एक क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, मतलब कि पूरे डिबेट को पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फिर आता है कंगारू मोशन, जिसमें आता है सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट पे डिस्कस करो बस, जो तुम्हारे पूरी डिबेट है ना सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट पे डिस्कस करो, बाकी मत करो। फिर एक आता है आपका ये गिविलिटिन, जो कि कम समय के कारण जिसका डिस्कशन हुआ उतना ही करो, ठीक है, कम समय जितना हुआ उतना ही करो, बाकी ये छोड़ दो। सेकंड आता है प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज क्या क्या, यूजुअली किसी मंत्री को सेंसर करने के लिए लाया जाता है फॉर हिम टू ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस। कॉलिंग अटेंशन, कॉलिंग अटेंशन क्या है कि पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर पे मंत्री को अटेंशन के लिए, एडजॉर्नमेंट हमने पढ़ लिया सिर्फ लोकसभा में होता है, ठीक है, और मिनिमम 50 मेंबर रिक्वायर्ड है ऑनली लोकसभा अर्जेंट पब्लिक मैटर्स पे, ठीक है, इंटरप्ट द नॉर्मल, ठीक है। एनसीएम, एनसीएम क्या है, एनसीएम शायद नॉन सेंसर मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अच्छा ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी सिर्फ राज्यसभा में होता है, ठीक है, और ये रूल 198 है राज्यसभा रूल बुक का, नो कॉन्फिडेंस ओनली राज्यसभा में हाँ सिर्फ राज्यसभा में होता है। क्यों? अरे तो सिर्फ मेजोरिटी तो पार्टी की वो उसी में देखोगे ना आप, लोकसभा की पार्टी में तो मेजोरिटी देखते हो, राज्यसभा की पार्टी में थोड़ी मेजोरिटी देते हो तो राज्यसभा, लोकसभा में होगा हाँ ना, राज्य, क्योंकि रिजोल्यूशन तो सिर्फ लोकसभा में होती है ना, तो लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस हाँ मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन, राज्यसभा बोल रहा था ना, नहीं मैंने लोकसभा तो बोला है। राज्यसभा बोल रहा था। अच्छा, और इसके इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर आपको इशू करना है तो इसके लिए कोई भी रीज़न रिक्वायर्ड नहीं, आप आपका मना कर दो, कहाँ देख रहा है, ठीक है, और अगर पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो गवर्नमेंट गिर जाती है, कॉन्फिडेंस मोशन बाय रूलिंग पार्टी इफ नॉट पास तो गवर्नमेंट गिर जाती है। मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट एड्रेस करता है डिस्कशन करने के बाद, ठीक है, वोट इन राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ में होता है, अगर इसमें भी अगर प्रेसिडेंट एड्रेस को डिस्कशन करने के बाद प्राइवेट टू वोट इन लोकसभा एंड राज्यसभा, इफ फेल तो पार्टी गिर जाती है, ठीक है। और फिर आपका नो डे येट नेम मोशन एडमिटेड डेट नॉट फिक्स्ड, ठीक है, और डायलेटरी मोशन स्पीकर चाहे तो मना भी कर सकता है लेकिन स्पीकर के चॉइसेस में एक्सेप्ट करना नहीं करना, मतलब कि यूजुअली डिबेट बिल रेजोल्यूशन के एडजॉर्न करने के लिए होता है, ठीक है, ये सब। और बिल्स को पास करने के लिए हमेशा 5 स्टेजेस होते हैं, पहली रीडिंग में इंट्रो होता है, पब्लिकेशन इन गेजेट, अगर पहले ही पब्लिश हो गया है तो नो नीड फॉर लीव फॉर हाउस फॉर इंट्रो, अगर पहले पब्लिश है तो फर्स्ट रीडिंग से सीधे सेकेंड रीडिंग में चले जाते हो। सेकेंड रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये फाइनल फॉर्म और शेप और डिटेल स्क्रूटनिटी करती है, जिसके अंदर क्या होता है जनरल डिस्कशन होता है आपका, ठीक है, और डायरेक्ट कंसिडर भी हो सकता है इसमें, और सिलेक्ट कमिटीज़ भी सिलेक्ट होती है सेकंड रीडिंग में, जॉइंट कमेटी भी होती है, पब्लिक ओपिनियन भी होता है, कमिटी स्टेज थ्रू डिटेल स्क्रूटनिटी, ठीक है, कंसिडरेशन स्टेज होता है जिसमें अमेंडमेंट अलाउड है सेकेंड स्टेज में, सेकेंड रीडिंग में अमेंडमेंट अलाउड है, ठीक है, और थर्ड रीडिंग में या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, कोई अमेंडमेंट नहीं होता थर्ड रीडिंग में। फोर्थ में बिल सेंड टू नेक्स्ट हाउस, लोकसभा में हो रहा था राज्यसभा, राज्यसभा में होता है लोकसभा। फिफ्थ में एसेंट होता है, प्रेजिडेंट एसेंट देता है, ठीक है, अगर एसेंट दिया तो एक्ट, नहीं दिया विदहोल्ड कर लिया तो बिल खत्म हो जाता है, या रिटर्न कंसिडरेशन दे दिया प्रेजिडेंट ने तो फिर कंपल्सरी नहीं देना, ठीक है, ये सारी कहानी थी, ठीक है। एक हमारा फंड्स बच गया, तो फंड्स का तो मैं इसे जल्दी बता देता हूँ कि फंड्स का क्या सीन है, कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 क्लॉज 1, पब्लिक पब्लिक अकाउंट फंड 266 क्लॉज 2, कॉन्टीजेंसी फंड आर्टिकल 267। कॉन्टीजेंसी फंड हमेशा आपको इमरजेंसी फंड के वक्त होता है, जो मैं बताया था ना कि प्रेसिडेंट आकस्मिक निधि है, अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर जो कॉन्टीजेंसी फंड से लिया जाता है वो प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा और फाइनेंशियल सेक्रेटरी डिस्पोज करेगा, ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और इसका जो फंड है वो 30,000 करोड़ का होता है, 30,000, हाँ 30,000 करोड़ का फंड होता है इसमें। कंसोलिडेटेड फंड ही वो फंड है जिसमें से सारे गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज है या कोई भी लोन रेस करा गया है वो सब कंसोलिडेटेड फंड से होता है,
जितने सबको सैलरी मिलती है सब कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है, ठीक है। या संवैधानिक पद वाला कि दूसरे को, सब संवैधानिक पद वाले, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये स्टेट में भी होता है। तो मान लो अगर जैसे कि आपके स्टेट के एमएलए को अगर सैलरी मिले तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिल रही है उसे, ठीक है। हर स्टेट पे भी कंसोलिडेटेड फंड होता है, इंडिया पे भी होता है, 266 क्लॉज में, ठीक है। पार्लियामेंट का इसमें प्री पार्लियामेंट्री अप्रूवल उसमें होना जरूरी है, लेकिन उसमें जो आपका पब्लिक अकाउंट फंड है उसमें प्री पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए आपको, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, आप विड्रॉ कर सकते हो उसके बिना भी, ठीक है। ये वही है जिसमें गवर्नमेंट ही उसके जो गवर्नमेंट ही पैसा टैक्स वगैरह जो इकट्ठा होता है पब्लिक से, पब्लिक अकाउंट फंड में ही जाता है सारा, ठीक है, पब्लिक के लिए उसको खर्च करा जाता है। और कॉन्टीजेंसी फंड में तो पोस्ट पार्लियामेंट्री, मतलब कि सोचो दिमाग लगाओ, एक्सपेंडिचर होने के बाद ये लोग अप्रूवल लेने, बाद में अप्रूवल लेते हैं, अप्रूवल लेने जाते हैं, पहले पैसा खर्चा कर लेते हैं और अप्रूवल लेने के बाद उसमें फिर पैसा भर देता है, जितना निकाला उतना भरना होता है, भरना होता है। लेकिन फिर सोचो, फिर उसके बाद कमेटी बैठती है, कमेटी उसके बाद बना के कमेटी रिपोर्ट लगा के सर ये सब खर्चे होंगे, वो बन रहा है तो हो गया, ये रूल ही, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी, पार्लियामेंट हमारा समाप्त, बजट बच गया, बजट हम करेंगे राज में।